हमारे चैनल ज्ञान की गरिबी। आज हम बात करने वाले हैं बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर में पैथोफिजियोलॉजी में, जो कि है यूनिट 3 हेमाटोलॉजिकल डिजीज़ के बारे में। इसके अंदर हम आज डिजीज़ पढ़ने वाले हैं, वो है हीमोफीलिया। इसके अंदर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करेंगे, इसके अंदर हम ईटियोलॉजी पढ़ेंगे, इसकी पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे, साइंस और सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में भी बात करेंगे। तो इससे पहले इसके जो नोट्स है वो हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन सो आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हीमोफीलिया जो है एक रेयर डिसऑर्डर होता है ब्लड का, जिसके अंदर जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं हो पाता है जिस तरीके से वो नॉर्मली होता है, क्योंकि इसमें इनफ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स जो है वो नहीं रह जाते हैं। मतलब कोई भी जब हमें माइनर कट्स वगैरह होते हैं तब जो है ब्लड क्लॉट हो जाता है आसानी से नॉर्मल वे में, लेकिन हीमोफीलिया जो है ऐसा डिसऑर्डर है, इसके अंदर जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं हो पाता है क्योंकि उसमें ब्लड क्लॉटिंग जो प्रोटीन्स होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, वो इसमें इनफ नहीं होते हैं। हीमोफीलिया जो है एक इनहेरिटेड जेनेटिक कंडीशन है जो कि क्योरेबल नहीं है, लेकिन इसको हम सिम्टम्स को हम इसको मिनिमाइज़ करने के लिए इसको ट्रीट कर सकते हैं और फर्दर फ्यूचर जो हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस होती है उसको रोकने के लिए जो है इसको ट्रीट कर सकते हैं। और ये एक रॉयल डिजीज़ भी जो है इसको बोला जाता है, और ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। इसके बाद में इसकी हम ईटियोलॉजी या फिर कॉज की बात करें तो हीमोफीलिया जो है ये एक जेनेटिक म्यूटेशन के द्वारा होता है। इसमें जो म्यूटेशन होती है वो उन जीन्स में होती है जो कि प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं, जो कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस के लिए एसेंशियल होते हैं। जो प्रोटीन्स मतलब जो ब्लड क्लॉटिंग जो प्रोसेस होती है उसके लिए जो एसेंशियल प्रोटीन्स होते हैं उसके लिए जो जीन्स कोड करते हैं उनके अंदर म्यूटेशन हो जाती है, और सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स जो मैकेनिज्म होती है जिसके अंदर 13 डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं उसे नाम दिया गया है क्लॉटिंग फैक्टर्स फर्स्ट से लेके क्लॉटिंग फैक्टर्स 13 तक, जो कि ब्लड क्लॉटिंग के इवेंट्स में जो है इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद में हीमोफीलिया जो है वो 3 तरह के होते हैं, हीमोफीलिया ए, बी और हीमोफीलिया सी। तो हीमोफीलिया ए जो है ये उस म्यूटेशन के द्वारा होता है, उस जीन पे जब म्यूटेशन होता है जो कि फैक्टर 8 के लिए होता है, तो वहाँ पे जो है डेफिशिएंसी होती है इस क्लॉटिंग फैक्टर की। उसी तरह से हीमोफीलिया जो बी होता है वो फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, जो कि म्यूटेशन करता है उसके करेस्पॉन्डिंग जीन के अंदर। इसके बाद में जो हीमोफीलिया सी जो है वो कंडीशन जो है इसके अंदर डेफिशिएंसी होती है फैक्टर 11 की। तो हीमोफीलिया सी जो है ये रेयरर होता है हीमोफीलिया ए और बी के मुकाबले। टिपिकली इसके माइल्ड सिम्टम्स होते हैं और ये इनहेरिटेड नहीं होता है एक्स लिंक्ड मैनर में, और दोनों सेक्स जो पर्सन्स होते हैं उनको दोनों को अफेक्ट करता है। और हीमोफीलिया ए जो है ये ज़्यादा कॉमन होता है हीमोफीलिया बी के मुकाबले। इसके बाद में हम इसके पैथोजेनेसिस की बात करें तो सबसे पहले पैथोजेनेसिस में क्या होता है कि जब इंजरी जो है वो किसी को होती है किसी भी प्रकार की, तो इंजरी जो है उससे ब्लड वेसल जो होता है, इंजरी से ब्लड वेसल तक उससे ब्लीडिंग होती है। इसके बाद में वेसल जो होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करती है और क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो एक्टिवेट होते हैं। उसके बाद में जब नॉर्मल कंडीशन बताई गई है कि तब क्या होता है और हीमोफीलिया कंडीशन में क्या होता है, तो नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है कि दूसरे सब्सटेंसेस के साथ में जो क्लॉटिंग फैक्टर 8 होता है वो जो है वो एक स्ट्रॉन्ग प्लेटलेट प्लग जो है वो बनाता है ताकि फर्दर क्लॉटिंग जो है वो हो सके। इसके बाद में एक स्टेबल फाइब्रिन क्लॉट जो है वो प्लेटलेट प्लग के ऊपर बन जाता है एज अ फाइनल सील की तरह इंजरी के ऊपर, और ब्लीडिंग जो है वो फाइनली रुक जाती है। वहीं पे दूसरी तरफ जो हीमोफीलिया होता है उसकी तरफ क्या होता है कि इसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर 8 जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, जिससे कि वीक प्लेटलेट प्लग जो है वो बनता है, मतलब वीक बनता है, बनता तो है लेकिन वो वीक बनता है। इसके बाद में ये क्या होता है कि इनकम्प्लीट या डिलेड फाइब्रिन जो क्लॉट होता है उसकी वजह से ब्लीडिंग जो है वो कंटिन्यू रहती है, मतलब रुकती नहीं है। इसके बाद में है ये जो जीन्स जो कि इन कंडीशन से एसोसिएटेड होते हैं हीमोफीलिया की, वो जो है एक्स क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि दोनों सेक्स क्रोमोसोम्स पे जो है वो मतलब दोनों सेक्स क्रोमोसोम्स में एक पे होते हैं।
अब मेल्स के क्या होता है कि एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और उसकी अल्टर्ड कॉपी जो होती है जीन की हर सेल में वो सफिशिएंट होती है इस कंडीशन को कॉज करने के लिए। और वहीं पे जो फीमेल्स होती है जिसमें दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें म्यूटेशन जो है वो दोनों कॉपीज में होनी चाहिए जीन में इस डिसऑर्डर को होने के लिए, क्योंकि ये जो है वो इस वजह से फीमेल्स में जो है वो बहुत कम देखने को मिलता है जिसमें दो अल्टर्ड कॉपीज जो है वो जीन की पाई जाती है। तो ये जो हीमोफीलिया होता है ये बहुत ज़्यादा रेयर होता है फीमेल्स के लिए, मतलब ज़्यादातर ये मेल्स में होता है। इसके बाद में है कि जो फादर्स होते हैं वो एक्स लिंक्ड ट्रेट्स जो है वो पास नहीं कर पाते हैं उनके सन्स को, मतलब उनको जो है वो, मतलब अगर बेटे होते हैं तो वो फादर्स जो है उनको एक्स लिंक्ड ट्रेट्स जो है वो मतलब पास नहीं कर सकते हैं। और एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस जो होता है उसके अंदर जो फीमेल होती है जिसमें एक अल्टर्ड कॉपी प्रेजेंट होती है जीन की, उन फीमेल्स को बोला जाता है कैरियर्स। इसके बाद में हम चार्ट के फॉर्म में जो है समझें तो फादर जो है उसका होता है क्रोमोसोम एक्स वाई, मदर का एक्स एक्स होता है। तो यहाँ पे फादर जो है इसको हीमोफीलिया नहीं है, लेकिन जो मदर है वो कैरियर होती है हीमोफीलिया जीन की। तो क्या होता है, हीमोफीलिया जीन को जो है वो एक्स डैश से यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। और यहाँ पे फर्दर अगर इनके चिल्ड्रंस जो है वो होते हैं तो 50% चांसेस होते हैं कि सन जो होते हैं उसमें हीमोफीलिया जो है वो पाया जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक सन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है और दूसरा सन जो है वो उसमें हीमोफीलिया जो है वो हो जाता है। इसके बाद में है कि जब फीमेल्स अगर होती है डॉटर्स तो इसके अंदर 50% चांस होते हैं कि डॉटर जो है वो कैरियर होती है हीमोफीलिया जीन की। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर डॉटर्स होती है, फीमेल्स होती है, तो उनको जो है हीमोफीलिया नहीं होता है लेकिन वो कैरियर बन जाती है, और इसके भी 50% चांस होते हैं। इसके बाद में अगर हम इसके साइंस और सिम्टम्स की बात करें तो साइंस और सिम्टम्स जो है स्पॉन्टेनियस जब ब्लीडिंग होती है तो उसके तब उस समय पर साइंस क्या होते हैं, तो अनएक्सप्लेन्ड या फिर एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है कट्स या इंजरीज से या फिर सर्जरी या फिर डेंटल वर्क के बाद में, और कई लार्ज या फिर डीप ब्रोजेस भी जो है वो देखे जाते हैं, और अनयूजुअल ब्लीडिंग होती है वैक्सीनेशन के बाद में, और पेन होता है, स्वेलिंग होती है या टाइटनेस होती है जॉइंट्स के अंदर, और ब्लड जो है वो यूरिन या फिर स्टूल में देखा जाता है, या फिर नोज ब्लीड होती है बिना नोन कॉज के। इसके बाद में इमरजेंसी साइंस और सिम्टम्स की बात करें तो उसके अंदर आते हैं सडन पेन या स्वेलिंग, और लार्ज जॉइंट्स में वॉर्म्थ जो है वो हमें महसूस होती है जैसे नीज में, एल्बोज में, हिप्स में, शोल्डर्स में और आर्म और लेग मसल्स में, और ब्लीडिंग होती है इंजरी से स्पेशली जब सीवियर फॉर्म का हीमोफीलिया होता है, और पेनफुल या प्रोलॉन्ग्ड हेडेक दिखा जाता है, रिपीटेड वॉमिटिंग या एक्सट्रीम फैटिक होती है, नेक पेन होता है और डबल विजन होता है। इसके बाद में इसके हम डायग्नोसिस की बात करें तो हीमोफीलिया जो है ये ब्लड टेस्ट के थ्रू डायग्नोस होता है। डॉक्टर जो है वो स्मॉल सैंपल लेते हैं ब्लड का हमारी वेन से, और उसमें क्लॉटिंग फैक्टर कितना प्रेजेंट है उसका अमाउंट जो है मेजर करते हैं, और सैंपल जो है उसको बाद में ग्रेड किया जाता है उसकी फैक्टर डेफिशिएंसी की सीवियरिटी के। तो जब माइल्ड हेमोफीलिया होता है तो उसमें इंडिकेट करता है कि क्लॉटिंग फैक्टर जो प्लाज्मा में है वो 5 से लेके 40% के बीच में होता है। उसके बाद में अगर मॉडरेट हीमोफीलिया की बात करें तो वो इंडिकेट करता है कि जो क्लॉटिंग फैक्टर जो प्लाज्मा में है वो 1 से लेके 5% ही प्रेजेंट है, और जब बहुत ज़्यादा सीवियर हीमोफीलिया होता है तो उसमें इंडिकेट करता है कि जो क्लॉटिंग फैक्टर प्लाज्मा में है वो 1% से भी बहुत ज़्यादा कम है क्लॉटिंग फैक्टर। इसके बाद में हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें कई तरह के ट्रीटमेंट जो है वो दिए जाते हैं। तो फर्स्ट है रेगुलर इन्फ्यूजन्स किए जाते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स के, तो जो इन्फ्यूजन्स होते हैं उससे ब्लीडिंग जो है वो रुक जाती है, और इससे जो है वो टाइम जो मतलब जो जितना टाइम स्पेंड करना होता है उससे भी जो है वो कम, मतलब ये फ़ायदेमंद होता है। इसके बाद में है कि क्लॉट प्रिजर्विंग मेडिकेशंस एंटी फिब्रिनोलाइटिक्स जो होती है, ये जो मेडिकेशंस होती है वो क्लॉट्स को प्रिवेंट करने के लिए हेल्प करती है, मतलब वो जो है उनको टूटने से जो है वो प्रिवेंट करती है क्लॉट्स को। इसके बाद में है फाइब्रिन सीलेंट्स, ये जो मेडिकेशंस होती है उनको वाउंड साइट्स पे डायरेक्टली जो है वो अप्लाई किया जाता है क्लॉटिंग और हीलिंग को प्रमोट करने के लिए। फाइब्रिन सीलेंट्स जो स्पेशली यूजफुल होते हैं डेंटल थेरेपी के दौरान। इसके बाद में है फिजिकल थेरेपी, ये जो है जो साइंस और सिम्टम्स होते हैं उनको फ़ायदा करने के लिए जो है यूज़ की जाती है फिजिकल थेरेपी, अगर इंटरनल ब्लीडिंग जो है वो डैमेज कर जाती है हमारे जॉइंट्स को। इसके बाद में है फर्स्ट एड फॉर माइनर कट्स,
अब प्रेशर या फिर बैंडेज को यूज़ करके जो है जनरली ब्लीडिंग को जो है वो उसको ठीक किया जाता है। स्मॉल एरियाज़ के लिए जो स्किन के नीचे जो ब्लीडिंग होती है उसके लिए आइस पैक यूज़ किया जाता है। इसके बाद में है वैक्सीनेशंस। अगर हीमोफीलिया जो है वो होता है तो उसको जो है इम्यूनाइजेशन के जो है वो रिसीव किया जाता है हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी के अगेंस्ट में। सो गाइज ये थी पैथोफिजियोलॉजी हीमोफीलिया की, और इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की गरीबी, एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन फॉर माय न्यू वीडियोस।